नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं जिंद प्लस न्यूज। और हम अभी मौजूद हैं नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागड़ू कला सफीदों में। और इस स्कूल में आज बाल कल्याण विभाग हरियाणा की महासचिव पहुंची हैं रणजीता मेहता। नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागड़ू कला में 2 मंथ का समर कैंप लगाया जा रहा है। इस समर कैंप में विभिन्न गतिविधियां रहेंगी, आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। बाल कल्याण हरियाणा विभाग की महासचिव यहां पर पहुंची हैं रणजीता मेहता। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्कूल का स्टाफ, प्रिंसिपल और डायरेक्टर बूके देकर स्कूल में इनका वेलकम कर रहे हैं। जुड़े रहें जींद प्लस न्यूज के साथ, देखते रहें लाइव तस्वीरें नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागड़ू कला सफीदों से। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में स्कूल स्टाफ रोज देकर वेलकम कर रहा है नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाल कल्याण विभाग हरियाणा की महासचिव रणजीता मेहता का। पूनम तो आप देख रहे हैं अभी लाइव तस्वीरें नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागड़ू कला सफेदों से। और आज यहाँ पर नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हरियाणा कल्याण विभाग की महासचिव पहुंची हैं, हरियाणा की महासचिव पहुंची हैं रणजीता मेहता। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस स्कूल में अब 2 मंथ्स का समर कैंप लगाया जाएगा, जिसमें विभिन्न गतिविधियां रहेंगी, डांस और योगा से लेकर आर्ट एंड क्राफ्ट, इस तरीके की 2 मंथ समर कैंप में गतिविधियां रहेंगी। और ना कि सिर्फ स्कूल के बच्चे, स्कूल के बाहर के दूसरे स्कूल्स के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और निःशुल्क ये समर कैंप रहेगा 2 मंथ्स का, जो कि नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागड़ू कला सफीदों में लगाया जा रहा है। इसमें किसी भी बच्चे से कोई भी शुल्क समर कैंप का नहीं लिया जाएगा। और डांस, योगा से लेकर आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस लगाई जाएंगी। बच्चों को निःशुल्क समर कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाना है। आज यहाँ पर महासचिव पहुंची हैं रणजीता मेहता, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। आप देख रहे हैं जिंद प्लस न्यूज़, और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जुड़े रहें जिंद प्लस न्यूज़ के साथ। और हम अभी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदों बागड़ू कला से। बाल कल्याण विभाग हरियाणा बच्चों की स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते रहते हैं, और बच्चों की स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए ही ये समर कैंप यहाँ पर 2 मंथ्स का लगाया जा रहा है। आज बहुत प्रतीक्षा करवाई, स्कूलों का बहुत एक्टिव मीडिया है। मैम, आज बागड़ू कला के नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे हैं, क्या हरियाणा राज्य बाल कल्याण प्रशासन? देखिए, समर कैंप्स की एक्टिविटीज़ जो है, हम जगह जगह पे अपने बाल भवन के बच्चों को लेकर आते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे DCW जो यहाँ के अनिल मलिक जी हैं, उन्होंने यहाँ पे स्कूल से टाइप करके यहाँ पे समर एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन की है। तो उसका आज हम फर्स्ट डे इनोग्रेशन करने के लिए आए हैं। बच्चे यहाँ पे छुट्टियों में जो बाल अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो यहाँ पे हर तरीके की एक्टिविटीज़ उनको करवाई जाएगी, जिसके तहत आज फर्स्ट डे है। 50 के करीब हमारे पास ऑलरेडी इनॉलमेंट हो चुकी हैं, और सभी बच्चे गर्मियों की छुट्टियां यहाँ पे मौज से मनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे। मैम, क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी समर कैंप में? इसमें अभी जैसे आपको बताया कि योगा क्लासेस रहेंगी यहाँ पे,
और उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं, और तीसरा डांस क्लासेस जो है, डांस बच्चों में जोश और कहते हैं ना एक जज्बा भरता है देशभक्ति के प्रति, तो वो भी हम यहाँ पे। क्या सिर्फ इसी स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर नहीं, पूरे अदर्स जितने भी सराउंडिंग बच्चे हैं जो किसी भी तरीके से वंचित हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, उन सबका यहाँ पे स्वागत है। बाल भवन के सहयोग से उन सभी बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो यहाँ पे ट्रेनिंग देना चाहें। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सर्वे करके आई हैं, तो डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वहाँ कितने स्कूल होंगे इस तरह की एक्टिविटीज दे रहे हैं? देखिए सभी स्कूल अलग अलग कैपेसिटी में अपने यहाँ पे ट्रेनिंग चलाते हैं। बाल भवन के सहयोग से कुछ जगह पे जींद में अभी हम शुरू करके आए हैं, इनोग्रेशन करके आए हैं, और अब यहाँ उसके बाद इस नेशनल स्कूल जो यहाँ पे इस यहाँ पे आए हैं। मैम पिछले दो साल कोरोना से गुजरे हैं, बच्चे पढ़ाई से भी दूर हो गए, सर एक्टिविटीज से भी, ऐसे में बाल कल्याण परिषद अब नए क्या आयाम लेके आ रहा है? लेकिन निश्चित तौर पे कोरोना काल में सब बच्चों के वजन 20-25 किलो बढ़ गए, बच्चे घर बैठ के ना एक्टिव हो पा रहे थे ना ही प्रॉपर पढ़ पा रहे थे, पर भगवान की कृपा से अब कोरोना बिल्कुल ठीक है, स्कूल दोबारा खुल गए हैं, ट्रैक पे आ रहे हैं, और निश्चित तौर पे बच्चों के लिए तो एक क्रेज का समय होता है, हर बच्चा अपने हुनर को निखारना चाहता है और उसको माध्यम देता है हमारा बाल कल्याण और ऐसे स्कूल जो उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा कर उनके हुनर को निखारते हैं। मैं अगर गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें तो वहाँ कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ टीचर नहीं है, अगर टीचर है तो वो एक सिंगल टीचर के होते चल रहे हैं, ऐसे में क्या किया? देखिए निश्चित तौर पे जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ पे टीचर्स की जरूरत है, जल्दी ही अगर हमारे संज्ञान में आएगा तो वहाँ पे टीचर्स की बढ़ोतरी की जाएगी। प्रॉब्लम क्या थी कि 25 के प्रति एक टीचर की रेशो है, पर कहीं स्कूल्स में कहीं 4 बच्चे कहीं 5 बच्चे, जिसकी वजह से उनको कंबाइंड करके एक ही स्थान में एक ही छत के नीचे किया जा रहा है ताकि रेशो भी ठीक रहे, ना ही टीचर्स का नुकसान हो ना ही बच्चों का नुकसान। मॉडल संस्कृति स्कूल की पहल की जाए कैसे देखते हैं, संगीता मेहता का क्या विचार है? देखिए जहाँ तक मॉडल संस्कृति स्कूल की बात है, हमारे अगर मैं पंचकूला की बात करती हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है और एक दौड़ लगी हुई है पेरेंट्स की कि हमारे बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिले, जिसके तहत हमने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से दरख्वास्त की थी कि क्यों ना डबल शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि डबल बच्चे जो हैं एक ही दिन में वहाँ पे पढ़ सकें, और उन्होंने एक सेक्टर 26 का जो हमारा मॉडल स्कूल है उसमें शुरू कर भी दिया है। तो निश्चित तौर पर जहाँ पर हमें दिखेगा कि बच्चे की जो है इंटरेस्ट ज़्यादा है, बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, निश्चित तौर पर डबल शिफ्ट में भी उनको पढ़ाया जाएगा, कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा, ये हमारा लक्ष्य है। यूपीएससी का रिजल्ट आया, अपने बेटियों ने पहले 3 स्थान प्राप्त किए, स्पीकर क्षेत्र की बेटियों के लिए क्या संदेश है? देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लाडो हैं हमारी बच्चियाँ हैं, हम महिलाएं हैं, हम आधी आबादी नहीं हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और जब हम ठान लेते हैं तो निश्चित तौर पर हर चीज़ में, वो चाहे कोई भी काम हो, बच्चियाँ अव्वल आती हैं तो छाती और चौड़ी होती है, और हरियाणा की छोरियाँ तो वैसे ही हरियाणा का नाम बहुत रोशन करती हैं। सबको यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको अच्छा हुनर सिखाइए ताकि ना केवल वो आपका बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रीमती रंजीता मेहता जी पहुँचे हैं चीन हेडक्वार्टर, लगातार स्कूलों को मोटिवेट तो करती हैं, बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन आज क्या संदेश लेता? निशुल्क समर कैंप और रुचिकर कक्षाएं, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का मैडम मानद महासचिव रंजीता जी का एक सपना है कि बच्चों के पंखों को हम मजबूती दें, एक ऊंची उड़ान प्रस्तुत करें। जहां तक भावनात्मक और मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पे आप भी बता रहे हैं कि निरंतर हरियाणा भर में काम किया जा रहा है, सकारात्मक नतीजे भी हैं, लेकिन बच्चों की रचनात्मकता, उनकी इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसको जानने के लिए, उसको उजागर करने के लिए और एक सही दिशा प्रदान करने के लिए एक मंच है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की तरफ से, जो समस्त हरियाणा के बच्चों को ये सुविधाएं दी जा रही हैं। अब की बार मैडम महासचिव रंजीता मेहता जी ने एक सपना ये देखा कि दिव्यांग बच्चे जो हैं, विशेष योग्यता वाले बच्चे और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, ये वंचित नहीं रहने चाहिए। इसी कड़ी में नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागड़ू कला, जहां हम इस वक्त बैठे हैं, यहां एक हमें एक आशा की किरण नजर आई, क्योंकि समस्त प्रबंधन समिति और गांव के लोग और आप मीडिया फ्रेंड्स, आप लोगों का एक सकारात्मक सहयोग हमेशा से रहा है। हम मिलजुल के बच्चों के बेहतर उत्थान के लिए, उनको मानसिक और भावनात्मक सशक्त बनाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, बस यूं ही आपका सहयोग बनाए रखिए। सर कुछ बच्चे देखना मिलता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, वो हायर सेकेंडरी से शिक्षा पास कर लेते हैं लेकिन उनको दिशा नहीं मिल पाती, ऐसे में क्या करने वाले हैं?
उसी के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं चलाई जा रही हैं, कैरियर काउंसलिंग है। आपके मध्य में नीरज जी से भी आप वाकफियत रखते हो, जो यहाँ पे बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं दे रहे हैं। और यही है कि 10+2 के बाद कोई भी बच्चा, कोई भी बेटी ड्रॉप आउट ना हो, उनके पढ़ाई के लिए जो मदद चाहिए राज्य परिषद भी तैयार है और जिला बाल कल्याण परिषद। ये एक सेवा भाव है कि हम किसी बच्चे को आर्थिक अभाव में पिछड़ता हुआ नहीं देखना चाहते। जो भी सहयोग चाहिएगा वो निशुल्क उसको मिलेगा और निश्चित मिलेगा। ये बच्चे बहुत जागरूक हैं और जागरूक तौर से हम सबको शायद संबोधन भी नहीं कर पाएंगे, और इंक्लूड मैं आप लोगों को भी करता हूं। आप सिर्फ मीडिया को नहीं हैंडल करते हैं, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं दोस्तों के, यानी कि बच्चों का दोस्त मैं हूं और हमारे दोस्त आप हैं। और बहुत उम्मीद है हमें इन लोगों से, क्योंकि ये अपने हैं और अपना हर कोई है जब आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। राज्य बाल कल्याण परिषद का यही सपना है कि सशक्त तरीके से बच्चे अपने आप को पेश करें, उनका आत्मविश्वास बढ़े, उनका हौसला कायम हो, उनमें ऊर्जा कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो अभी बात करेंगे नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागड़ू कला की प्रिंसिपल उमा वर्मा से। जी मैम, आज हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव रंजीता मेहता जी पहुंच चुके हैं, अनिल जी भी आए हैं आपके स्कूल में, क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से यहाँ टाइम निकाला और हमें, हमारे स्कूल को, हमारे बच्चों के लिए टाइम दिया यहाँ पर। और बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि जो सपना हम लोगों ने देखा था कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें, समाज से थोड़ा सा हटकर चलें, वो चीज़ें अनिल मलिक जी के सहयोग से और मैम के आशीर्वाद से सब कुछ अभी सब स्मूथ चल रहा है। तो आशा करते हैं कि आगे भी चलता ही रहेगा। तो किस तरह की एक्टिविटीज आपके स्कूल में होने जा रही है समर कैंप के? समर कैंप में सर हमने अभी फिलहाल 3 तरह की एक्टिविटीज प्लान कर रखी हैं। डांस क्लासेस रहेंगी जो बच्चों को, जैसा कि पता ही है, जैसे मैम ने अभी बोला कि वो एनर्जेटिक थोड़ा सा फील करते हैं बच्चों को, रिफ्रेशिंग लगता है बच्चों को कि डांस करना तो सबसे सबका फेवरेट होता ही है। और उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट है, रंगों से खेलना भी बच्चों को बहुत पसंद है तो उस चीज को भी हमने रखा है। और तीसरा योगा क्लासेस हमने एड ऑन करी हैं इसमें, क्योंकि जो फिजिकल फिटनेस है वो आजकल सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन 3 चीजों को लेकर अभी चले हुए हैं, उसके बाद जैसे जैसे टाइम होगा वैसे और चीजें और ऐड ऑन करेंगे। आप छात्र छात्राओं की एक सहेली भी हैं, एक दोस्त भी हैं, टीचर भी हैं, यहाँ अगर खेलों की बात करें तो उनके मनोबल को कैसे बढ़ाया जाएगा खेलों के द्वारा? खेलों के मनोबल, खेलों के लिए हम लोगों ने सर एक खेल नर्सरी हम लोगों ने स्कूल में स्टार्ट की है, जिसमें हमारी कबड्डी में स्पेशलिटी रही है। और हमारे पास काफी सारे बच्चे, हमारे पास रोज इवनिंग क्लासेस लगती हैं। मान लो स्कूल की जो क्लासेस होती हैं स्कूल टाइम में, उन बच्चों की जिस प्रतिभा को हमने पहचाना कि बच्चों को किस चीज में, किस गेम्स में या किस स्पोर्ट में बच्चों को इम्प्रूवमेंट की नीड है, किस चीज में हमें उन्हें और ज्यादा प्रशिक्षण देना है, और उस चीज को लेकर फिर इवनिंग क्लासेस में, मान लो और मतलब जितने भी हम लोगों ने गेम्स प्लान, बिल्कुल देखने को मिली है सर। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि नानी के घर जाना है, लेकिन जैसे ही कल हमने इवनिंग मॉर्निंग में अनाउंस किया बच्चों को कि हम लोग एक समर कैंप करवाने वाले हैं स्कूल में ऑर्गेनाइज, तो बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि बच्चों ने खुद से ही मना कर दिया कि नहीं, हम नानी के घर नहीं जाएंगे लेकिन हमें यहाँ कैंप में जरूर आना है, मैम हमें बताइए। और ना सिर्फ स्कूल के बच्चे बल्कि आसपास के उनके फ्रेंड्स भी, और वो सब मिलकर कि मैम हम अपने फ्रेंड्स को भी ला सकते हैं क्या, मैम हम अपने फ्रेंड्स को भी ला सकते हैं क्या, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये सबके लिए ओपन है।